नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कॉन्ट्रा कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में ऐसी कॉन्ट्रा कॉन्ट्राइंडेशन जिन्हें अगर हमने निगलेक्ट कर दिया तो पेशेंट की जान पे भी आ सकती है इसमें सबसे पहले हमारे पास बात आती है टीथ विद इन द एरिया अगर छह महीने से एक साल के बीच में रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को लगी है तो हम दांत को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इससे क्या होगा ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस हो जाता है अब ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे इेडिएटेड बोन जो है वो हील करने की प्रॉपर्टी को लूज़ कर जाती है जिसकी वजह से जो एरिया है वो प्रॉपरली हील नहीं कर पाता और जो रेडिएशन थेरेपी है वो ब्लड सप्लाई और सेलुलर फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देती है जिसकी वजह से बॉडी की जो एबिलिटी है हील करने की वो डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद बहुत ज़्यादा कम होती है एडिशनली जो रेडिएशन इंड्यूस चेंजेस होते हैं टिश्यूज़ के अंदर वो और ज़्यादा टिश्यूज़ को वर्नलेबल बना देते हैं कॉम्प्लिकेशन के लिए इसीलिए इट इज़ अब्सोलूट इंडिकेशन इन डेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स नेक्स्ट एब्सोल्यूट सीलूट कॉन्ट्राइंडेसन है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या फिर बाईपास सर्जरी या फिर स्टेंट अगर पेशेंट को डले हैं तो वहाँ पर चांसेज होते हैं ऑफ इंक्रीजिंग कार्डिक स्ट्रेस इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और इंक्रीज कार्डियोस्ट्रल कॉम्प्लिकेशंस के जिसमें कि हार्ट रेट का इंक्रीज हो, हो सकता है और ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग डेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर और इसके साथ साथ जो डेंटल एक्सट्रैक्शन है उसकी वजह से बैक्टीरियल इंट्रोडक्शन हो सकती है बॉडी के अंदर जिससे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसी डिजीज के के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं ठीक अब अगली एब्सुलट कॉन्ट्रेडिकेशन जो हमारे पास है वो है टीथ इन द एरिया ऑफ सेंट्रल हिमेंजोमा और आर्ट्री माल फॉर्मेशन एंड एनिजम अब सेंट्रल हीमेंजोमा होता क्या है देखो हिमेंजोमा का मतलब है बेनाइन ट्यूमर ऑफ वेस्ल्स जो कि ऑफन अपेयर करता है एज बर्थ मार्क आर्टिवेनस माल मालफॉर्मेशन का मतलब है कि जो आर्टरीज और वेन्स है उनमें कोई ना कोई उनकी बनने में कोई ना कोई डिफेक्ट या अब नॉर्मल्टी प्रेजेंट है और एनिज्म क्या होता है इसमें जो वीकेंड एरिया है आर्टरी का या वेसल का वो बल्ज आउट हो जाता है जिसकी वजह से जो वेसल जो है वो वाइडन हो जाती है और फाइनली कुछ ना कुछ चांस रहते हैं कि वेसल जो है वो रप्चर कर जाए अब इन कंडीशन में हम डेंटल एक्सट्रैक्शन को क्यों अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का रिस्क होता है पहला पॉइंट क्योंकि वैस्कुलर एनोटमिक बहुत ज्यादा हो जाती है तो अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं अब कंट्रोल्ड ब्लीडिंग नहीं हो सकती यहाँ पे हो सकता है कई केसेस में ब्लीडिंग हो ही ना और और कई केसेस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए जैसे कि फाइनली जो कॉम्प्लीकेशन के रिस्क है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं इसीलिए दीज कंडीशन आर एब्सोलूटली इंडिकेटेड इन डेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज साइट ऑफ मेली ट्यूमर देखो अगर मेलिगेंट ट्यूमर का साइट है और वहां पे हम डेंटल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो एक सोर्स बन सकता है टू द मेटास्टाइसिस अब अगली कुछ रिलेटिव लोकल कॉन्ट्रेड के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे पहले आती है एक्यूट जनरलाइज एक्यूट सेलुलाइटिस और अब इन सब केसेस में हम डेंटल एक्सट्रैक्शन को दो मेन रीजंस की वजह से अवॉइड करते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो है उससे क्या हो रहा है एक सॉकेट खुल रहा है और एक्सट्रैक्शन की सराउंडिंग जो है जैसे कि जनरलाइज पेरिडोटाइटिस नेक्रोटाइजिंग एक्सरेटिव के केसेस में पहले ही बैक्टीरियल लोड से बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है तो अगर हम एक्सट्रैक्शन कर देते हैं तो वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन कर सकता है दूसरा है कि सेलोलाइटिस और के केसेस में इमीडिएट रिमूवल की वजह से पेन इंक्रीज कर सकती है पेशेंट का एक्सट्रैक्शन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है तो फाइनली इन केसेज में अगर हम इमीडिएटली विदाउट एनी प्री मेडिकेशन डेंटल एक्सट्रैक्शन कर दें तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं थैंक यू